हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे सेकंड लेक्चर, चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा है, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो आज हम सब ट्रॉपिकल रीजन का इन एग्जांपल देखेंगे और टॉपिक है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, मतलब गंगा नदी और जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है प्लस इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके द्वारा जो एरिया बनाया गया है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इस एरिया में जो जो एक्टिविटीज होती हैं ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, यहाँ पे क्लाइमेट किस टाइप का पाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम है, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेन वाला रीजन, जो आपको पता होगा नॉर्दर्न प्लेन्स, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं प्लेन वाला रीजन, जिसको गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती हैं। और इधर पाकिस्तान की तरफ में चले जाओ तो यहाँ इंडस रिवर बनाती है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि भाई आपका रिवर बेसिन क्या होता है। तो रिवर बेसिन का मतलब है रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो एरिया ड्रेन किया जाता है उसको हम बोलते हैं रिवर बेसिन। जैसे मान लो ये है आपकी गंगा रिवर और ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। प्लस इनमें ऐसे ये जो दिखा रखे हैं ये हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज, कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो इसके द्वारा जितना भी एरिया ड्रेन किया जा रहा है उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, उस रिवर का बेसिन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम दो रिवर्स की बात कर रहे हैं, इधर साइड में जो रिवर है गंगा रिवर है और ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, नॉर्थ ईस्ट साइड मतलब आसाम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उधर साइड की बात कर रहा हूँ। ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, बिहार बंगाल उत्तर प्रदेश वो वाला एरिया। तो ये पूरा की पूरा एरिया किस में आता है, ये आता है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आता है, ठीक है। ये इंडिया का मैप है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला एरिया तो हो गया गंगा का बेसिन और ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र का बेसिन। तो यहाँ पे जो जो एक्टिविटीज होंगी सारी चीज़ें हम यहीं की डिस्कस करने वाले हैं। मैप में ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको जब भी हम कुछ भी बातें करें अभी इस चैप्टर इस टॉपिक में बातें करेंगे तो हम इसी रीजन की बात करेंगे। गंगा रिवर की बात होगी तो इस वाले रीजन की बात करेंगे और ब्रह्मपुत्र की बात होगी तो इस वाले रीजन की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कई सारे मैप डाल दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये गंगा का बेसिन हो गया और ये आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से होते हुए, और ये फिर दोनों जाके यहाँ पर मिलती हैं और सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। आपको पता होगा यहाँ पर जो डेल्टा बनता है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। कौन कौन बनाती हैं, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर बनाती हैं, और यहीं पर ये अपने पानी को ड्रेन कर देती हैं बे ऑफ बंगाल में। इंडिया की इधर साइड में ये बे ऑफ बंगाल है और ये है आपका अरेबियन सी, ठीक है। रिवर कहीं से भी ओरिजिनेट हो ये जनरली जाके कहाँ पर गिर जाती हैं, या तो इंडिया वाली जो रिवर्स हैं या तो ये जाके गिरेंगी बे ऑफ बंगाल में या फिर गिरती हैं अरेबियन सी में। तो आप ध्यान रखना, गंगा रिवर प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर ये दोनों जाके कहाँ पर गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखो भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं हम, ध्यान रखना। तो यहाँ पर गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर प्लस इनकी ट्रिब्यूटरीज मिलके बनाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो बेसिन है, अब बेसिन वर्ड जो आए तो आप ध्यान रखना, रिवर प्लस उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उसके द्वारा जो एरिया ड्रेन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन बोलते हैं। तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है ये कहाँ पर आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में मतलब लाइक करता है, ठीक है ना। अब आपने लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड देखे होंगे, ये हो गई आपकी 0 डिग्री और ये मान लो 10 डिग्री मान लो और ये मान लो 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो इसके बीच में मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हमारा लाई करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और सब ट्रॉपिकल रीजन है ये, ठीक है, ट्रॉपिकल से जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। हाँ, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक घाघरा सोन चंबल गंडक कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन्ड, मतलब जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला बेसिन है इसको कौन ड्रेन करता है, ड्रेन करने का मतलब यहाँ पे पानी कौन लेकर आता है, यहाँ पे पानी लेकर आती है गंगा रिवर प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर प्लस उनकी ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के नाम दे रखे हैं, जैसे घाघरा, ये वाली ट्रिब्यूटरी हो गई घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, यहाँ पे गंडक है, ठीक है, और कोसी, ठीक है। ये सारी ट्रिब्यूटरी जो हैं ये किसकी हैं, जैसे ये तो मान लो मेन रिवर हो गई और इसमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो रिवर्स अपना पानी लेके आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो मेन रिवर यहाँ पर कौन सी हो गई, गंगा, और गंगा के अलावा गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, सोन, घाघरा,
चंबल, गंडक, कोसी, ध्यान रखना पूछा जा सकता है कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो आपको फटाक से बताना है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, प्लस ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ये मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं, मतलब पानी लाती हैं। द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। अगर आप इस बेसिन को अगर आप देखो, जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला पूरा ये बेसिन है, यहाँ पर आपको एक तो मिलेंगे आपको प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स मिलेंगे, दूसरा माउंटेन्स मिलेंगे, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, आपको पता है ऊपर की साइड में यहाँ पे हिमालय हैं, तीन माउंटेन है, जैसे मतलब सबसे ऊपर हिमाद्री, फिर मिड हिमालय, फिर लोअर हिमालय जिसको हम शिवालिक बोलते हैं, तो हिमालय का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं फुट हिल्स, ठीक है। तो माउंटेन्स, फुट हिल्स, अब मतलब आपको ये देखने हिमालय के फुट हिल्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लस इस वाली जगह पर आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश के पास सुंदरबन डेल्टा। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, मतलब इस प्लेन एरिया में आपको बहुत सारी ऑक्सबो लेक्स देखने को मिलेंगी। इस शेप में जो लेक होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स। ये सारी लेक्स आपको इस टाइप की, जैसे मान लो रिवर्स जनरली ऐसे करके फ्लो करती है, तो कई बार यहाँ से मान लो ये एरिया अलग होकर ऐसे अलग रह जाता है, तो इस शेप में जो लेक होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स। तो ऐसी बहुत सारी आपको लेक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, मतलब मॉनसून पर डिपेंड करता है। आपको पता है इंडिया में कौन सा मॉनसून आता है, साउथ वेस्ट मॉनसून आता है। साउथ वेस्ट मॉनसून के दौरान हमारे यहाँ पर जून से बरसात होना स्टार्ट हो जाती है, 1 जून को केरल में बरसात आ जाती है, उसके बाद धीरे धीरे करके इंडिया में ऊपर की तरफ बरसात आने लगती है, जुलाई तक मतलब नॉर्थ इंडिया में भी आ जाती है। तो अपने यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, मतलब मॉनसून पर डिपेंड करता है। मॉनसून यहाँ पे जो रेनफॉल लेके आता है मिड जून से मिड सेप्टेम्बर के बीच में यहाँ पे बरसात होती है, मतलब 15 जून के आसपास से लेके यहाँ की बात कर रहे हैं और 15 सितंबर तक लगभग यहाँ पे बरसात होती रहती है इस वाले रीजन में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले रीजन में। यहाँ पे अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं नॉर्थ इंडिया में, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं जिनको लू बोलते हैं, और विंटर्स बहुत कूल होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गर्मियाँ गर्म होती हैं और विंटर्स कूल होती हैं, इस प्रकार का यहाँ पर क्लाइमेट देखने को मिलेगा। बेसिन एरिया हैज वेरिड टोपोग्राफी, यहाँ की जो टोपोग्राफी है यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेगी, कहीं पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पर लेक्स, कहीं पर रिवर्स, ऐसी मतलब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ के लोग क्या करते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले रीजन में। तो पहली बात तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किसमें, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। कैसे, अगर कहीं पर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कूल है, प्लीजेंट है, ठीक है, रहने लायक कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। और कई जगह का क्लाइमेट ऐसा है, जैसे मान लो हिली एरियाज हो गए, है ना, माउंटेन एरियाज हो गए, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया हैं, वहाँ पे आपको टेम्परेचर भी कम देखने को मिलेगा, प्लस माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ का जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा रगड़ है। तो ऐसे ही सिचुएशन में माउंटेन वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन कम होती है, जबकि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल वाले इलाके में देखो वहाँ पे प्लेन्स पाए जाते हैं, जमीन फर्टाइल है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स, स्टीप स्लोप मतलब ऐसे जो स्लोप होता है एकदम सीधा, विद स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल ट्रेन, देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो बेसिन है, अगर यहाँ पर जो माउंटेन एरियाज है, माउंटेन एरियाज आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेंगे, प्लस कुछ हिली स्टेट्स हैं आपको, जैसे मतलब उत्तराखंड, ठीक है, और सिक्किम हो गया, ठीक है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, इन एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, लोग बाग बहुत कम पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, जो माउंटेन्स होते हैं तो माउंटेन्स में आपको ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलेगी वहाँ पर। अब हिली स्लोप्स में आपको पता है ज़्यादा जो स्टीप स्लोप्स होते हैं, ऐसे तीखे स्लोप होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा घर वर देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पर आपको लोग बाग बसे हुए दिखाई देते हैं। इनहॉस्पिटेबल ट्रेन मतलब यहाँ पे ज़मीन ऐसी होती है, फ्लैट होती नहीं है, माउंटेन एरिया है, यहाँ पर रहना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन है आपको किस वाले रीजन में, स्पेशली आपको जो हिली एरियाज है, माउंटेन एरियाज है, वहाँ पे पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी माउंटेन एरिया। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जहाँ जहाँ पे माउंटेन्स है वहाँ पे लोग कम पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहने लायक कंडीशंस नहीं होती हैं। जबकि प्लेन एरिया की बात करें तो ध्यान रखना बहुत सारा एरिया यहाँ पे प्लेन एरिया है, वहाँ पे ज़मीन जो है सूटेबल है, फ्लैट लैंड है, तो वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन
बहुत आसान है, तो ज़्यादा अच्छी कंडीशंस होती हैं वहाँ पर रहने के लिए, प्लस सॉइल भी यहाँ पर फर्टाइल है, तो लोग बाग यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, तो उनके रोजी रोटी की मतलब यहाँ हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी है जो एग्रीकल्चर है मेनली। और यहाँ पर ध्यान रखना इस एरिया में जो लोग हैं ज़्यादातर फिश और राइस का सेवन करते हैं। फिश और राइस जो है इस एरिया की स्टेपल डाइट है, स्टेपल मतलब मुख्य भोजन है, ठीक है। क्या चीज़? फिश और राइस। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका मेन जो ऑक्यूपेशन है मतलब रोजी रोटी का जो सिस्टम है वो क्या है? एग्रीकल्चर है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन जो है कैसी है? फ्लैट लैंड है, और फ्लैट लैंड पर बहुत सारी क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। प्लस इस एरिया की प्लेन वाले रीजन की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ध्यान रखना 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है प्लेन वाले रीजन की, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं तो उसके बारे में देखते हैं। तो मेन क्रॉप जो यहाँ पर है वो है पैडी। पैडी मतलब जो आपकी राइस की क्रॉप होती है वो मेन क्रॉप है, राइस ज़्यादा उगाया जाता है। और पैडी की जो कल्टीवेशन है, पैडी की खेती के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है वहीं पर पैडी को ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इसके अलावा बाकी फसलें भी उगाई जाती हैं जैसे व्हीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट, ये फसलें भी उगाई जाती हैं। प्लस कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स आप जानते हो जिनको नकदी फसल बोलते हैं, जिनको मार्केट में बेच दो और आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएंगे? दाम मिल जाएंगे। तो जिनको बेचने के लिए उगाते हैं फसलों को, डायरेक्टली बेचने के लिए उगाते हैं, खाने के लिए नहीं उगाते, उनको हम बोलते हैं कैश क्रॉप्स। तो यहाँ पे कैश क्रॉप्स जैसे शुगर केन और जूट यहाँ पे उगाई जाती हैं। इसके अलावा कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा बनाना प्लांटेशन, मतलब जो केला है उसका प्लांटेशन देखने को मिलेगा, बड़े बड़े खेतों में केले के मतलब ये लगाए जाते हैं, ट्री लगाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल और आसाम वाले रीजन में आपको टी प्लांटेशन देखने को मिलेगा, चाय की खेती की जाती है। और बिहार और आसाम के कई सारे पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है, मतलब सेरिकल्चर जिसको हम बोलते हैं रेशम कीट पालन, ठीक है। तो सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम। यहाँ पे जो बिहार और आसाम वाला हिस्सा है यहाँ पे सिल्क वॉर्म को ग्रो किया जाता है और उनको लालन पालन किया जाता है, मतलब उनकी रियरिंग की जाती है। किस लिए की जाती है? ताकि सिल्क प्रोड्यूस किया जा सके। सिल्क आपको पता है जिससे रेशम बोलते हैं, रेशम का मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है सिल्क वॉर्म को पालन पोषण करके। इन माउंटेन्स और हिली एरियाज में आप देखोगे तो वहाँ पर भी जो स्लोप्स होते हैं, जेंटल स्लोप मतलब हल्के हल्के जो स्लोप होते हैं वहाँ पर भी फसलें उगाई जाती हैं टेरेसेस बनाकर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है आपकी टेरेस फार्मिंग। तो जो माउंटेन्स हैं जहाँ पे हल्के हल्के से स्लोप्स हैं तो वहाँ पे ऐसे टेरेस बना देते हैं और यहाँ पर जो फार्मिंग होती है इसको हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है। वेजिटेशन का मतलब किस किस टाइप के यहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं, तो प्लांट्स के बारे में हम देखेंगे वेजिटेशन में। तो वेजिटेशन यहाँ पर जगह जगह के हिसाब से डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि कहीं पर माउंटेन एरिया है, कहीं पर प्लेन एरिया है, तो लैंडफॉर्म के आधार पर वेजिटेशन भी यहाँ पर क्या करती है? वेरी मतलब चेंज होती रहती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है यहाँ पर जो ट्री पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसीडुअस ट्री, ट्रॉपिकल डेसीडुअस ट्री पाए जाते हैं। प्लस यहाँ पर आपको टीक के प्लांट हैं, साल, पीपल, ये प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। प्लस ब्रह्मपुत्र वाले जो प्लेन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहाँ पे आपको बम्बू ट्री मतलब बांस के पेड़ भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। इसके अलावा जो डेल्टा वाला एरिया है, डेल्टा मतलब जो जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला जो रीजन है वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा जो पाया जाता है, तो डेल्टा वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं इनको हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडिया में जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में, जैसे मान लो सपोज ये इंडिया का मतलब मैप हो गया साउथ वाला, तो नीचे कोस्टल वाले जो एरिया है जहाँ पर समुद्र पाया जाता है वहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसको जनरली हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो कोस्ट डेल्टा वाले पार्ट में यहाँ पर आपको इस टाइप के पेड़ देखने को मिलेंगे। और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपको कॉनीफेरस ट्रीज, कॉनीफेरस मतलब कोन शेप में जो ट्री होते हैं ऐसे ट्री देखने को मिलेंगे, जैसे पाइन, देवदार, फर, ये प्लांट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा कूल है और स्लोप्स बहुत ज़्यादा स्टीप है, स्टीप मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब जैसे ये माउंटेन है तो स्टीप स्लोप का मतलब होता है एकदम तीखा, मतलब यूँ सीधा, मतलब अगर कोई चीज़ गिर जाए तो सीधी जाए, तो स्टीप स्लोप यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में, वाइल्ड लाइफ मतलब कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो
तो वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र वाले बेसिन में अलग अलग वैरायटी की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पे। एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स, मंकीज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशली जो ब्रह्मपुत्र के प्लेन है आसाम वाले रीजन में, आपको वन हॉर्न राइनोसेरोस, वन हॉर्न एक सींग वाले गेंडे भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो डेल्टा वाला पार्ट है, जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, वहाँ पर आपको बंगाल टाइगर, ये है बंगाल टाइगर जिसको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ये भी देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है एक्वेटिक लाइफ? फ्रेश रिवर वाटर में एक्वेटिक लाइफ देखने को मिलेगी, लेक्स में देखने को मिलेगी, बे ऑफ बंगाल वाला जो सी है वहाँ पर देखने को मिलेगी। और फ्रेश वाटर मछली जो होती हैं, मछलियों की भी यहाँ पे कई सारी वैरायटी पाई जाती हैं, जैसे रोहू, कटला, हिलसा। ध्यान रखना, रोहू, कटला, हिलसा ये फिशेस की वैरायटी हैं यहाँ पे, ये भी पाई जाती हैं। और यहाँ के जो लोगों की मेन डाइट है, मेन डाइट आपको बताइए, फिश और राइस, ये है मेन डाइट। अब बात करेंगे हम सिटीज़ एंड टाउन्स के बारे में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले रीजन में जो सिटी और टाउन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन्स पाए जाते हैं। इनमें मुख्य यहाँ पे दे रखे हैं जैसे इलाहाबाद, ध्यान रखना इलाहाबाद को आज की डेट में बोलते हैं प्रयागराज, इसका नाम चेंज हो गया है, और कानपुर, वाराणसी, वाराणसी को ही हम बनारस बोलते हैं ध्यान रखना, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, पटना, कोलकाता, ये सारे के सारे जो सिटी हैं ये यहीं पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र वाले बेसिन में आते हैं। कौन कौन से हैं? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऑल विथ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लैक्स आर लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। तो ये जितने भी सिटी बता रखे हैं ये सभी के सभी सिटी, यहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, और ये सारे के सारे सिटी कहाँ पर लोकेटेड हैं? ये लोकेटेड हैं गंगा रिवर के अलोंग लोकेटेड हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है, गंगा रिवर के आसपास, इसकी बैंक के आसपास बहुत सारे मतलब सिटीज़ बसे हुए हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? सिंपल सी बात है, इसके आसपास एक तो प्लेन फर्टाइल है और दूसरा वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी है, पानी की अवेलेबिलिटी है। अच्छा, इसके आसपास इन कई सारे सिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बसी हुई हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। इन इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है, बहुत ज़्यादा दूषित पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, और इस गंदे पानी को रिवर में, गंगा रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इस रिवर का पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, पानी का जो लेवल है वो पानी का जो मतलब क्वालिटी है वो क्या होती जा रही है? ख़राब होती जा रही है इस डिस्चार्ज मतलब वेस्ट वाटर के डिस्चार्ज की वजह से। अब देखेंगे हम इस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, मतलब यातायात के जो साधन हैं तो वो देखेंगे। तो इस एरिया में आपको रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये सभी के सभी ट्रांसपोर्टेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ऑल द फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। फोर वेज कौन कौन से मैंने अभी बताए थे आपको? रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ये चारों के चारों जो वेज हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से डेवलप हैं, क्योंकि ज़मीन कई जगह, बहुत सारी ज़मीन कैसी यहाँ पर फ्लैट है, तो यहाँ पर रोड अच्छा डेवलप है, रेलवे भी डेवलप है, प्लस एयरवे भी डेवलप है, बहुत सारे सिटीज हैं इंपॉर्टेंट, प्लस यहाँ पे गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर में आपको रिवर में भी आपको वाटरवेज देखने को मिलेगा। तो इन द प्लेन एरियाज रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ध्यान रखना, जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर रोडवेज और रेलवेज जो हैं ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करती हैं। वाटरवेज, अब रिवर में जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है रिवर के थ्रू, पानी के जो जहाज होते हैं उनके थ्रू, उसको हम बोलते हैं वाटरवेज। वाटरवेज भी एक इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, स्पेशली रिवर्स के सहारे। अब गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ पर जो रिवर के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस में आता है? वाटरवेज की कैटेगरी में आता है। कोलकाता पोर्ट हुगली रिवर के पास पाया जाता है। हुगली रिवर आपको पता है वेस्ट बंगाल कोलकाता में, तो यहाँ पर एक पोर्ट डेवलप किया गया है जिसका नाम है कोलकाता पोर्ट। अब पोर्ट क्या होते हैं? बंदरगाह होते हैं जहाँ पर पानी के बड़े बड़े जहाज आते हैं, और इनसे मतलब दो देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता है इनके थ्रू। और इस एरिया में बहुत सारे आपको एयरपोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे टूरिज्म के बारे में, इस एरिया में टूरिज्म के क्या क्या सेंटर्स हैं, कौन कौन से सेंटर्स हैं। तो टूरिज्म इस एरिया की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। टूरिज्म आपको पता है सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी जगह पर, अगर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं किसी भी स्टेट में, अगर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो उस स्टेट की इनकम बढ़ जाती है, विदेशी टूरिस्ट आते हैं तो फॉरेन मनी भी आती है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, ठीक है। तो टूरिज्म का एक अपने आप में अलग ही इम्पोर्टेंस है।
तो आपको देखने को मिलेगा ताजमहल कहाँ पर पाए, ताजमहल कहाँ पर है आपको पता होगा, ताजमहल है आगरा में उत्तर प्रदेश में, यमुना रिवर के सहारे, और यमुना जो है आपको पता है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना भी किस में आती है, गंगा रिवर बेसिन में आती है। इलाहाबाद जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं आज की डेट में, तो यहाँ पर गंगा और यमुना रिवर पर, गंगा और यमुना रिवर की कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मतलब जहाँ पर दो चीज़ मिलती हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं उसको हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, तो जहाँ पर गंगा यमुना रिवर मिलती हैं उसको हम प्रयाग बोलते हैं, संगम बोलते हैं, तो वो क्या है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगा था, आपको पता होगा। बुद्धिस्ट स्तूप पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, और उत्तर प्रदेश बिहार दोनों गंगा प्लेन्स में आते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूप पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे विदेशों से टूरिस्ट आते हैं घूमने, स्पेशली जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा इमामबाड़ा, ये है इमामबाड़ा, ये कहाँ पर है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में। आसाम में आपको कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे जिनमें इंपॉर्टेंट है काजीरंगा और मानस, तो पूछा जा सकता है काजीरंगा और मानस कहाँ पर है, तो आपको बताना है आसाम में। अरुणाचल प्रदेश में आपको एक स्पेशल ट्राइबल कल्चर देखने को मिलेगा, यहाँ पर कई सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं, उनका एक कल्चर वो अलग देखने को मिलेगा। तो ये सारी जगह जो हैं यहाँ पर बता रखी हैं, ये हैं टूरिस्ट प्लेस, तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं, और इस एरिया में मतलब टूरिस्ट एक्टिविटी होने की वजह से बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। तो ये हमारा कंप्लीट गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन खत्म हुआ यहाँ पर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।